बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोनों में कोविड-19 जैसे लक्षण मिले हैं और दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों ने बताया है कि उन्हें गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें और उनकी मां को सोमवार को ही साकेत स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है तो ये कंफर्म नहीं हो सका है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके कारण उनका भी कोविड-19 का टेस्ट कराया गया है और रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। फिलहाल सीएम केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। न्यूज डेस्क।